आप भी चाहते हो माइनक्राफ्ट में ड्रीम की तरह एमएलजी करना, पर आपका एमएलजी उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है। आप बेसिकली वाटर बकेट एमएलजी करते हो, बाकी के एमएलजी आप नहीं कर सकते। तो फिर हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और नई वीडियो में। तो फिर आज के वाले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक एमएलजी मैप। हाँ, इसके अंदर आपको बहुत सारे एमएलजीज मिल जाएंगे, आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करना है तो फिर आपका एमएलजी भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो फिर बिना वेस्ट एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं छोटी सी इंट्रो के साथ। तो फिर सबसे पहले मैं आपको मैप पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस दिखाऊंगा। तो मैप बहुत ही अच्छा है, आप देखोगे तो आपको भी डाउनलोड करने का इच्छा होगा। तो मैं पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ कैसे क्या काम करता है। और अगर आप इस मैप के अंदर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर आप प्रैक्टिस करते हो इस मैप के अंदर तो आपकी एमएलजी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। मैंने इस मैप को 3-4 दिन तक यूज़ किया है तो मेरा एमएलजी अब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है नॉर्मल एमएलजी के बटन, 1-20 तक एमएलजी है नॉर्मल एमएलजी में, और ये हाईएस्ट एमएलजी। और यहाँ पे आप जितना भी हाइट चाहो हुआ उस हाइट में जाके एमएलजी कर सकते हो। तो दो तरीके एमएलजी है, एक नॉर्मल एमएलजी, एक हाइट एमएलजी। और आप चाहते हो कि स्पेसिफिक कोई एमएलजी को यूज़ करना तो यहाँ पे उसका भी बटन दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्ट आके चूज़ कर सकते हो। जैसे ये इजी हो गया, उसके बाद ये है एक्सट्रीम एमएलजी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ऊपर ये देख सकते हो, ये इम्पॉसिबल एमएलजी है, कोई नहीं कर सकता। मैंने देखा है 2 या 3 लोगों को ये एमएलजी करते हुए, पहले ब्लॉक लगाने के बाद हुआ पे उसी जगह पे उसी वक्त एक और लेडर लगाना होता है। ये एमएलजी तो मेरे सर के ऊपर से जाता है, मैंने एक बार ट्राई किया था उसी वक्त मेरी फट गई थी, इसलिए मैंने इसे कभी उसके बाद कभी ट्राई नहीं किया था। और यहाँ पे और भी सारे एमएलजी है उस टाइप पे, और ये मतलब डिफ़िकल्ट एमएलजी ये है वो, मतलब डिफ़िकल्ट एमएलजी में आते हैं। और यहाँ पे मैं नॉर्मल एमएलजी आपको दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ पे नॉर्मल एमएलजी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और 1-20 तक एमएलजी के स्टेज है, आप 1-20 तक एमएलजी कर सकते हो। पहले ईजी आएगा, फिर डिफ़िकल्ट आएगा, उसके बाद आएगा एक्सट्रीम, उसके बाद एकदम इम्पॉसिबल। और यहाँ पे आप एमएलजी करने के बाद यहाँ पे दबाओगे तो आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाओगे। और एमएलजी तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना, और अगर एक बार करने के बाद आपको फिर से करने का मन करे तो उस साइड यहाँ पे एक और बटन है किल योर सेल्फ, इस बटन को जब भी आप दबाओगे आपको ये फिर से ऊपर की तरफ टेलीपोर्ट कर देगा। और यह है रिटर्न टू लॉबी का बटन, आपको लॉबी में वापस जाना है तो यहाँ पे रिटर्न टू लॉबी कर सकते हो। तो मैं आपको एक और बार करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको सिंपली प्रेशर प्लेट को दबाना है और नीचे की तरफ आकर सिंपली एमएलजी कर देना है, ओके। और एमएलजी होने के बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देना, आप नेक्स्ट स्टेज पर जाओगे। और अब मैं आपको इस मैप के एक और बेनिफिट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पानी फेंक के रखा है, मैंने इसको उठाया नहीं है। अब मैं जब इसे फिर से करूँगा, ये देखो पानी अपने आप गायब हो चुका है, देख सकते हो कितना है। आपको साफ भी नहीं करना होगा कुछ, आप अगर नॉर्मल वॉल बनाते हो तो वहाँ पे आपको साफ करना पड़ता है। इस वॉल में आपको कुछ भी आपने फेंका हुआ है तो उसको साफ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही साफ हो जाता है। ये मुझे इस मैप की बहुत अच्छी बात लगी है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे चले जाता हूँ, और नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ पे है स्नो बकेट एमएलजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो ये सारे एमएलजी मेरे पास बच्चे का खेल है। ये लावा एमएलजी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये कभी कभी ग्लिच कर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लावा एमएलजी कर दिया है। और इसके बाद वाला मैं और एमएलजी आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद ही हमारा ये वाइन एमएलजी, ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है, पर पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हो जाएगा, देख सकते हो। देखो हो गया, मैंने कहा था ना हो जाएगा तो हो गया। तो उसकी बाद वाली एमएलजी में जाते हैं, उसका बाद वाला एमएलजी है स्कॉब वेब एमएलजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, देख सकते हो आराम से कर दिया मैंने। ये मैंने प्रैक्टिस करके सीखा है सारे के सारे एमएलजी करना। यहाँ पे हेबल एमएलजी, पहली बार में नहीं हुआ, फिर से करके दिखाता हूँ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, मैं आज करके दिखाऊंगा आपको, मैं करके ही दिखाऊंगा। ये अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे हेवल एमएलजी कर दिया है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे है स्लाइम एमएलजी। स्लाइम एमएलजी भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर हर एक एमएलजी मैं पहली बार में क्यों खुश हो जाता हूँ।
तो यहाँ पे मैं स्लाइम एनिमल्जी करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से करना है आपको स्लाइम एनिमल्जी। और इसके बाद है हमारा ये हनी ब्लॉक एनिमल्जी है इसके बाद, तो यहाँ पे ऐसे करना है हनी ब्लॉक एनिमल्जी। वो भाई ये तो एक बार में ही होगा। और मैं आप लॉबी जाके वो आप एक स्पेसिफिक एनिमल्जी चूज़ करके दिखाता हूँ कि स्पेसिफिक एनिमल्जी का बटन कैसे यूज़ करता है। तो सबसे पहले आपको बीच वाला प्रेशर प्लेट दबाना है और कोई भी आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एनिमल्जी चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा वाला चूज़ करूँ, मैं यहाँ पे ये हॉर्स वाला एनिमल्जी करता हूँ, हॉर्स विथ सैडल ये जो है इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली प्रेशर प्लेट पर पैर रखना है और नीचे कूद जाना है हॉर्स के ऊपर। ओ यहाँ मैं करके दिखाता हूँ, मैंने दो तीन बार किया ये वाला एनिमल्जी, आसान है मतलब अभी आसान है, पहले मुश्किल लगता पर अभी आसान है। तो यहाँ पे अब तो हो जाएगा, देखिए हो गया। ओ नहीं हुआ, तो अब तो हो ही जाएगा। ये देखो हो गया, देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान। और ये न्यू टच कंट्रोल्स है तो ये और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। ये जो न्यू टच कंट्रोल है इससे तो और भी ज़्यादा आसान हो चुका है एनिमल्जीज करना। ओह सॉरी, मैं नेक्स्ट वाला बटन दबा दिया। तो उसके बाद ये कैक्टस एनिमल्जी, आपको कैक्टस के ऊपर कूदना है। ऑन शेट, मैंने गलत जगह पे पैर रख दिया। ओ फिर से नीचे जाने के लिए अब मुझे एनिमल्जी करके जाना पड़ेगा। देख सकते हो मैंने एनिमल्जी कर लिया है। ओ नहीं, मैं फिर से कैक्टस के पास चला गया। ये वाला एनिमल्जी आपको हाफ हार्ट में छोड़ देता है, तो आपको ये हाफ हार्ट में सर्वाइव करने वाला एनिमल्जी है ये। तो यहाँ पर फिर से हो गया था, पर फिर कैक्टस के ऊपर दबा देता है इसलिए हो नहीं पाता। तो मैं आपको ये वाला एनिमल्जी भी करके दिखाता हूँ। ये देख, हो गया। ओ भाई हो गया चुका है, मैं मुझे कैक्टस के पास नहीं जाना। तो मैं यहाँ पर लॉबी में फिर से वापस जाता हूँ, और लॉबी में वापस जाने के बाद मैं आपको अब दिखाता हूँ हाईएस्ट एनिमल्जी, जो कि हाइट पर डिफिकल्ट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे हाइट दिया जाएंगे जिससे आपको एनिमल्जी करना है। यहाँ पर बटन भी दिए गए हैं, जैसे ये है 25 ब्लॉक, ये 75 ब्लॉक, 150 ब्लॉक, 225 ब्लॉक, 275 ब्लॉक, और उसके बाद है 310 ब्लॉक। मैं आपको 310 ब्लॉक से वाटर बकेट एनिमल्जी करके दिखाता हूँ। इतना तो प्रो कि 310 ब्लॉक से मैं वाटर बकेट एनिमल्जी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको वाटर बकेट एनिमल्जी करके दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको कोई भी एनिमल्जी करना है उसका बटन दबाना है, तो वो वाला आइटम आपके पास जाना आ जाएगा। आपको उस हाइट पे जाके सिर्फ जिस वाले प्लग से आपको मतलब जिस आइटम से आपको एनिमल्जी करना है उसको ले लेना है, आप एनिमल्जी कर सकते हो। देख सकते हो मैंने एनिमल्जी कर लिया है, मैं प्रो हूँ। तो फिर अब बढ़ते हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ। तो फिर डाउनलोड के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर सिंपली टैप करना है। आप पहुँच जाओगे MCPL के एक वेबसाइट में, तो वो उस साइड कुछ इस तरह होगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो इस मोड के कुछ, जो कि बहुत अच्छी तरह से दिख सकते हो। और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते रहना होगा, और यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला बटन मिल जाएगा। इस वाले बटन को आप सिंपली टाइप करना तो एक और नई पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे जो लिंक दिया गया इसके ऊपर सिंपली टाइप करना है। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद एक और लिंक वर्स का पेज खुलेगा, और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट का एक वेरिफिकेशन अगर आता है, आप में शायद नहीं आएगा, मेरे में शायद आ चुका है, तो इसको सिंपली वेरीफ कर देना है और फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे फ्री एक्सेस विथ ऐड इसके ऊपर दबाना है, उसके बाद ये डिस्कवर ऐड ट्रेल इसके ऊपर दबाने के बाद सिंपली क्रॉस कर देना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्रॉस कर देना इस पेज को। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आपका लिंक तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई द एनिमल्जी मैप इसके ऊपर दबाना है, फिर आपका मैप को ये मीडियाफायर की वेबसाइट में पहुँचा देगा। मीडियाफायर की वेबसाइट में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ से मैप को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो देख सकते हो यार डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे ये क्रोम में खोल लेना है, सॉरी हिस्ट्री में चला गया। सबसे पहले मुझे इसे थोड़ा डाउनलोड के अंदर, यह देख सकते हो, ये देखो डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे मेरा वो वाला फाइल। और डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली ब्लैक बैक की तरफ आना है। बैक आने के बाद आपको जेड अचीवर को ऑन करना है। जेड अचीवर ऑन करने के बाद आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ पे आपका जिप फाइल है।
और यहाँ पे आप जिप फाइल को आप एक बार दबा के यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाला बटन आपको दबाना है। ये दबाने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। उसके बाद आपको जाना है एंड्रॉयड के अंदर, फिर डाटा के अंदर, फिर com.mojang वाला फाइल ढूंढना है। उसके अंदर जाने के बाद फिर फाइल, फिर गेम्स, फिर com.mojang और यहाँ पे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो ये पेस्ट होने के बाद आपको सिंपली बैक की तरफ आ जाना है। बैक करके आपको सिंपली बैक आना है और बैक आने के बाद आपको सिंपली माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे माइनक्राफ्ट मेरा ओपन हो चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वर्ल्ड आया या नहीं। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा वर्ल्ड आ चुका है। तो मैं आपको वर्ल्ड ओपन करके दिखाता हूँ ये चल रहा है या नहीं। तो वे आप भी इस वर्ल्ड के अंदर थोड़ा बहुत MLGs प्रैक्टिस करते रहना, आपका भी MLG बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आपको हर दिन आके इसके अंदर एक दो घंटा प्रैक्टिस करना है तो आपका भी MLG बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। मैं वाटर बकेट MLG कर लेता था पहले, पर क्या होता ना, जब कम ब्लॉक होता था तब मैं वाटर बकेट MLG कर देता था, पर जब ज़्यादा ब्लॉक होती थी 200 ब्लॉक ऊपर से जब जम करता था तब मेरा वाटर बकेट MLG काम नहीं करता था। इसलिए अब मैं प्रैक्टिस किया हूँ, मेरा जो MLG है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है और ये न्यू टच कंट्रोल से तो वर्ड भी ज़्यादा आसान हो चुका है। और यहाँ पर मैं थोड़ा आपको MLG करके दिखा रहा हूँ मेरी प्रोनेस फालतू में फुटेज खड़ा हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और नेक्स्ट मोड या फिर नेक्स्ट मैप आपको किसके ऊपर चाहिए। आप अगर चाहते हो कि मैं बेड वॉर के लिए कुछ ट्रेनिंग मोड लाऊँ तो वो भी मैं आपके लिए ला सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye.